नमस्कार साथियों, जियो वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज के दिन के थॉट ऑफ डे के साथ। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा बहुत ज़रूर देता है। तो इसीलिए साथियों, हौसला कभी न हारे। तो जियो वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। ये थॉट ऑफ द डे, छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। नोबेल प्राइज मिला है उसका देख रहे थे हम। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैज़ डिसाइड टू अवार्ड द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फील्ड। केमिस्ट्री फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। तीन जनों का नाम है, कैरोलिन आर बेर्टोजी फर्स्ट, सेकंड मार्टिन मार्ले एंड थर्ड के बेरी सार्प्लेस। तीन जनों को यह अवार्ड दिया गया और ये केमिस्ट्री फील्ड में दिया गया था। अब रही बात, ये अवार्ड देता कौन है? यह अवार्ड देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है और इसको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है। कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये अवार्ड देता कौन है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा एग्जाम ये अवार्ड दिया जाता है। इनमें से जो एक को अवार्ड मिला है वो एक महिला है, उसका नाम है कैरोलिन आर बेर्टोजी। बात करते हैं 2019 का, ये तीन जनों को मिला था। एक एम स्टैनले को मिला, अकीरा को मिला और जॉन को मिला। तीन को मिला था। इन्होंने लिथियम आयन की बैटरी का आविष्कार किया, इसीलिए मिला था। 2020 का ईमा को मिला और जेनिफर को मिला। इना और जेनिफर दोनों को मिला था 2020 को। 2021 का बेंजामिन और डेविड दोनों को मिला था। जबकि 2022 का कैरोलिन मार्टिया और बेरे तीन को मिला है। ये देखो सुंदर सा नज़ारा, एक नया मंदिर बना है, इस्टेब्लिश हुआ, जैबल अली वर्कशिप विलेज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जैबल अली वर्कशिप विलेज वो कौन से देश के अंदर स्थित है? यूएई। किसमें? यूएई। फर्स्ट टाइम हिंदू टेंपल डेवलप हुआ है यहाँ पे, वो भी यूएई जैसी कंट्री में। देखिए कितना शानदार, सारे भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई है। और यूएई जैसा देश जहाँ पे किसी चीज़ की एंट्री नहीं है, बट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, हिंदू टेंपल। फर्स्ट टाइम हिंदू टेंपल डेवलप। दुबई हिंदू टेंपल इनॉग्रेट ओपन, ये वहाँ का मंदिर है। कभी जाओ साथियों घूमने तो देख के ज़रूर आना, वरना फ़ोटो में तो हम लोगों ने देख ही लिया है। एक एक करके सारे भगवान की यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई। अब बात करते हैं होप मिशन। सऊदी अरेबिया का कौन सा मिशन है? एरन को कंपनी है जिसको ए लाइन प्रोजेक्ट दिया है। और कतर जो अभी चल रहा है दोहा, वहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है। और ओमान महात्मा गांधी का स्टैचू अनवेल किया था वहाँ पे ओमान में अभी, इसीलिए ओमान सुर्खियों में है। और रही बात, इस मंदिर को इनॉग्रेट किसने किया? इस मंदिर को इनॉग्रेट किया गया वहाँ यूएई के जो प्रेसिडेंट है एएल नाहियात, उनके द्वारा। और इंडिया के द्वारा किसने रिप्रेजेंट किया? संजय सुधीर जी, जो इंडिया और यूएई के बीच एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं। डिफेंस विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। फर्स्ट डिजिटलाइज विलेज कौन सा था? केरला के अंदर। और फर्स्ट ग्राम पंचायत जो डिजिटलाइज है वो है केरला में। बात करते हैं होप मिशन। होप मिशन कहाँ आया? यूएई के अंदर, यूएई का मास मिशन है जिसका नाम है होप। राशिद वहाँ का रोवर है जो मून के सरफेस पे स्टडी करेगा, और वो भी चाइना के साथ मिल गए। और ये जाएगा कहाँ? मून के साउथ पोल में। बात करते हैं लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? अंकोर वाट टेम्पल है जो हिंदू टेम्पल जो लार्जेस्ट है। और कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? विष्णु भगवान को।
अपकमिंग लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? वो वेस्ट बंगाल के अंदर होगा, मायापुर में। इस्कॉन है उसका हेडक्वार्टर बनने वाला है, वैदिक टेम्पल के नाम से जाना जाएगा उसको। तो सभी साथियों, इस्कॉन के नाम से जो भी हरे कृष्ण मोमेंट है, इस्कॉन है, इसमें ज़रूर जाया कीजिए। बहुत अच्छा, एक अलग ही नज़ारा है वहाँ देखने का। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु के अंदर बनाया, तंजोर और चोला डायनेस्टी ने बनाया, जिसका बनाने वाले का नाम था राज राज फर्स्ट। ये देखिए, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, देखते हैं शादी के लिए किस किस को शादी करनी है, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा दें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम? मैरिज स्कीम के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है? अरावली, अमरावती है जिसकी कैपिटल, वो है आंध्र प्रदेश। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YSR रेड्डी जी है। और वहाँ पे अभी एक स्कीम आई थी, उस स्कीम के अंदर ये मैरिज स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम है कल्याण मसु योजना। और ये क्यों कराया? बेटी बचाओ और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज हो रही है ना, उसको रोकने के लिए और गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें हो रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। फिर चाइल्ड मैरिज के फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ है अभी? गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गंजन। और कन्याश्री योजना है, वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर, 2013 की लॉन्च हो रखी है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया था, और 250 रुपये के साथ इसका अकाउंट खुलता है इसमें। और न्यू कैपिटल नेशनल पार्क कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बात करें आर्ट फॉर्म, और फर्स्ट चाइल्ड बजट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट चाइल्ड बजट आया MP के अंदर आ रहा है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ का है? वो भी यहीं का ही देखने को मिलता है। और वीरांग नट्यम डांस फॉर्म, ये दो डांस फॉर्म यहीं देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कम्युनिटी मेजरली लिव इन विच स्टेट और UT? गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी ये कौन से स्टेट में या यूटी में रहती है? जम्मू एंड कश्मीर। अब हुआ क्या, ये मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी आएगा यहाँ पे, माइनॉरिटी में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो अमित शाह जी वहाँ गए हुए हैं। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी, इनको क्या वहाँ का रिजर्वेशन दे दिया गया है? तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। जम्मू कश्मीर है एक स्टेट बना हुआ था, 370 और 35A आर्टिकल था, उसको क्या अभी डिमोलिश किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लैग राइट देता था ये। एंड इसके अंदर ये था कि प्रॉपर्टी के लिए एक्ट था, उसके अंदर आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं खरीद सकते। और ये एक्ट कब ख़त्म किया गया, डिमोलिश किया 2019 में किया था, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर ने और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर लिया। और बात करते हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी जी है। और माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल कौन सा था, 29, और एजुकेशन के लिए 30। ये जितना भी एनालिसिस हो रहा है उसको ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि क्वेश्चन जितना भी पूछा जाना वो एनालिसिस पार्ट से ही आना है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी ट्राइब रहती है, अपातानी ट्राइब, अबोर ट्राइब, डाफला ट्राइब, गैलोंग ट्राइब, मोम्बा ट्राइब। ये ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ज़रूर नोट कर लें। कोल्लम ट्राइब कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। असम की ट्राइब चकमा, कारी, बोरो और बोडो ये ट्राइब है। और झारखंड में मुंडा और संथाल। MP के अंदर कौन कौन सी ट्राइब है, बेगस, भील, भरिया, बिरहोर, गौंड्स, ये सारे टाइप कहाँ पाई जाती है, MP में। और राजस्थान में भील ट्राइब ज़्यादा पाई जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में गादीज, गुज्जर, खास और लांबा। चलो एक और डे सेलिब्रेशन होता है, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 14 अक्टूबर को ये धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को।
और ये मनाया कहाँ जाएगा, ये है दीक्षा भूमि नागपुर। कौन सी जगह है, दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर ये मनाया जाता है। और किन की याद में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, या फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, और इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड भी किया था। तो दीक्षा भूमि जो नागपुर है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या अपना रिलीजन को चेंज किया था, और रिलीजन क्या किया इन्होंने, बुद्धिज़्म को अपनाया था। और ये कब, विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 के दिन। तो एग्जामिन क्वेश्चंस पूछेगा ये। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर से को। और इनके जो डेथ हुई थी, उस डेथ के वाले दिन को किस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर अभी आने वाला है, उस दिन सेलिब्रेट होगा। तो और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, यह बी आर अम्बेडकर जी के लिए महाराष्ट्र में बनाया हुआ है। और शिवाजी का स्टैचू पुणे में, स्टैचू ऑफ पीस जयपुर के अंदर, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजन हैदराबाद के अंदर। फिर बात करते हैं एक और दिवस ले लो, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी का जब हैप्पी वाला बर्थडे आता है तब मनाया जाता है। और एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है, राजीव गांधी जी का जो हैप्पी वाला बर्थडे आता है ना 21 मई, उस दिन मनाया जाता है। ये देखो महान परिनिर्माण, यह दीक्षा भूमि नागपुर में, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से, दिवस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान जो बुद्धिज्म को अपनाया था इन्होंने, किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को इसी दिन अपनाया था। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2022 14 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया। फिर राजो ये कौन है, देखो प्यारे से बालों वाला, द शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है। कौन सा एक प्राइज मिला है, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर ए 2022 विल बी अवार्डेड, किसको मिला ये 2022 का मिला है, यूनिंग तांग को। ये है यूएसए से बिलोंग करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिंग तांग। और बात करते हैं 2021 का किसको मिला है, नीना गुप्ता को मिला है। और रमन मैग्से अवार्ड फिलीपींस में मिला था, ये मिला है रवीश कुमार जी को। और बात करते हैं लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, 2001 के अंदर। ये हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चंस। और लता मंगेशकर जी के नाम पे फर्स्ट एडिशन जो अवार्ड मिला वो किसको मिला था, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और रामानुजन अवार्ड है ये देता कौन है, ये दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ सान मोगा अकेडमी, जिन्होंने 2005 के अंदर स्टार्ट किया था। और इस अवार्ड का नाम है श्रीनिवासा रामानुजन अवार्ड। फिर बात करते हैं तेलंगाना का जो टीआरएस था ना, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम बदल के इन्होंने नाम लिख दिया है, तेलंगाना राष्ट्र समिति विल बी रीनेम्ड भारत राष्ट्र समिति। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। किसने लॉन्च किया, के चंद्रशेखर राव ने इसको लॉन्च किया, ये एंटी बीजेपी समिट के रूप में। वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर टोटल 8 नेशनल पार्टी है। न्यू नेशनल पार्टी कौन सी है, एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, जो कहाँ पे है, मेघालय के अंदर, ये सबसे न्यूएस्ट है। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकता है नेशनल पार्टी, या किसे बनाया जाता, 6% वोट वैलिड होने चाहिए 4 स्टेट के अंदर। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, उस इलेक्शन में 4 स्टेट के अंदर उनके 6% वोट वैलिड वोट मिलने चाहिए उनको, जबकि असेंबली और इलेक्शन होते हैं विधानसभा, उसके अंदर भी इनको वोट मिलना जरूरी है। ये कौन है, ये है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी, ये रिटायर्ड
गवर्नर ब्रिगेडियर है, इनको अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किया गया था, बट अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो है मेघालय का। कौन से का? मेघालय। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर्ड आउट एज ए गवर्नर विच स्टेट? मेघालय। अरुणाचल गवर्नर बी डी मिश्रा एज्यूम एडिशनल चार्ज एज ए गवर्नर ऑफ मेघालय, मेघालय का इनको चार्ज मिल गया। फिर वंदे मातरम के नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट? कौन से स्टेट के द्वारा वंदे मातरम? अब मतलब कॉल करेंगे ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो डायरेक्ट वो सीधा बोलेंगे वंदे मातरम। हेलो नहीं बोल के क्या कहेंगे? वंदे मातरम। तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र लॉन्च कैंपेन अपराइजिंग पीपल टू से वंदे मातरम ऑन ए फॉलकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ हेलो। हेलो की जगह गवर्नमेंट ऑफिस में वंदे मातरम कहा जाएगा। ये लो, बर्मिंगम 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसका मस्कट लॉन्च हो चुका है, और इसके अंदर पहली बार कोई गेम शामिल किए जाएंगे जिसका नाम है गोल्फ, BMS रेसिंग और कोस्टल रोइंग पहली बार शामिल किए जाएंगे। तो इसको नोट कर लेना, एग्जाम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम में भारत में शूटिंग में मेडल एवरेज 135 मेडल इंडियन जीते थे, जिसमें 63 तो गोल्ड है, 44 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज। ये तो है शूटिंग में, जबकि रेसलिंग में टोटल 114 मेडल मिले हैं, 49 तो गोल्ड है और 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। ये था आज का अपना सेशन। तो जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल आपको कैसा लगा दोस्तों? लाइक एंड शेयर करें, एंड हम जल्दी ही कल परसों के अंदर हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी पहुंच जाएंगे, तो हम जल्दी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। एंड खास करके जियोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं जियोलॉजी का बैच, यूपीएससी प्री में, जो यूपीएससी का प्री होता है ना, जी कंबाइन जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम, उसके लिए पेपर वन के साथ साथ हम पेपर टू जियोलॉजी का जो पार्ट है उसको भी कवर करवाएंगे हम। एंड सेकेंड बात यह है, जो राजस्थान के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस सीईटी का कम्प्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है 1 दिसंबर से। तो ये अनाउंसमेंट है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे शेयर करें। थैंक यू।